So I'm a self-love coach. After doing whatever in spirituality, mind power, मुझे एक realization हुआ. 10 years पहले मुझे थोड़ा सा depression हो गया था life में. तब मुझे realize हुआ कि जब हम life में fail होते हैं तो हमारा education, जो हम qualification लेते हैं या जो हम बहुत सारी चीजें लेते हैं दुनिया से, शायद वो हमें उतना काम नहीं आता. क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते, जब तक हमें पता नहीं हमारे अंदर क्या हो रहा है, तब तक हम हमारे लाइफ को चेंज नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ लव. सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है, नार्सिसिज्म नहीं है. सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपनी ओर लेके आना. बिकॉज हम कुछ भी गूगल कर सकते हैं लेकिन खुद को गूगल नहीं कर सकते. इसलिए खुद को गूगल करना बहुत जरूरी है. बिकॉज unless and until we decode ourselves, जब तक हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और हमें क्या अंदर हो रहा है, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा. सो द साइंस ऑफ सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एजुकेशन होना खुद के बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. आई बिलीव कि अगर इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर फोकस करें कि एक सेल्फ लव का सब्जेक्ट हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल केसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे. क्योंकि जैसे हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, बहुत कॉमन है किसी और से प्यार करना. एंड बहुत सारे केसेस होते हैं, फनी साउंड करता है, लेकिन बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं जब उनका ब्रेकअप होता है. बिकॉज हम बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं. हमारे अंदर एक वैक्यूम है जिसे हमें फिल करते नहीं आता. हमने सीखा नहीं स्कूल में, कॉलेज में, शायद हमारे फैमिली में भी. बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने भी खुद से प्यार नहीं किया, शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी खुद से प्यार नहीं किया. जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, मैं अपने लाइफ पार्टनर को भी प्यार नहीं कर सकती और ना ही मैं अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ कि प्यार क्या होता है. तो प्यार का मतलब होता है खुद को भीतर से जानना. अपने अवचेतन मन में आपने क्या छुपा के रखा है, क्या होल्ड करके रखा है, वो कितना जरूरी है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कैसे आप उसे परिवर्तन में ला सकते हैं, ये ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. माय गुरु सेज, यू बी द बुक, यू बी द रीडर एंड यू शैल फाइंड द ट्रुथ. बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं लाइब्रेरी रखना, बुक्स पढ़ना. मैं बहुत कम बुक्स पढ़ती हूँ. मैं ये नहीं कहती कि बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन मुझे लगता है हमें खुद को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अनलेस एंड अंटिल आई नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड मी इन माई माइंड, आई वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग इन द डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. आई बिलीव ऑल ऑफ अस वॉन्ट हैप्पीनेस. All of us want health. हर किसी को wellness चाहिए, हर किसी को success चाहिए. कोई ऐसे नहीं बोलता है कि मुझे depression में रहना है and I'm seeking depression, I'm seeking anxiety, I'm seeking stress. We never want that. All of us want happiness. All of us want wellness and all of us want success. But हर किसी की definition अलग है, हर किसी का तरीका अलग है. लेकिन ये हमारा soul है, ये हमारा सोल का नेचर है कि हम जॉय में वाइब्रेट करें, हम हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें. बिकॉज जिंदगी में हमें जो भी पॉजिटिव चाहिए उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए खुद से प्यार करना जरूरी है. तो अगर मुझे वेलनेस चाहिए आज की जिंदगी में, तो वेलनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, सिर्फ वेट कंट्रोल नहीं है, सिर्फ फैट कंट्रोल नहीं है, बट मेरा मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. मैं कितना खुश हूँ जिंदगी में, 24 घंटे में मैं कितना खुश रह सकती हूँ, 24 घंटे में मैं कितना जॉय के स्टेज पे रह सकती हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे अंदर के सेल्स वेलनेस में वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं, ये जानना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई बिलीव फॉर दैट वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड टू लव आवरसेल्व्स अनकंडीशनली. Only then it will be possible for us to forgive others, to accept others, and to love others unconditionally. Because that's the first step if you want to. If you want to decode the infinite potential you have.
क्योंकि जब हम जजमेंट पे पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, हम बहुत फाइनाइट लाइफ जीते हैं। जब हम आइडेंटिटीज को होल्ड करके रखते हैं, जब हम हमारे एक्सपीरियंसेस को होल्ड करके रखते हैं, जब हमारे क्वालिफिकेशंस को होल्ड करके रखते हैं, हम बहुत फाइनाइट जीते हैं। अगर हमें इनफाइनाइट जीना है, जो हम वास्तव में हैं, अगर हमें हमारी शक्ति को समझना है, जो वास्तव में है हम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस करें। आई डोंट नो एंड आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, बट आई बिलीव दैट यू मस्ट एक्सपीरियंस योर सेल्फ। आई थिंक फर्स्ट यू एक्सपीरियंस योर सेल्फ, मे बी देन यू मे एक्सपीरियंस यूनिवर्स, इट्स पावर्स एंड गॉड, वेदर इट ही एग्जिस्ट और ही डजन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड वी आर हियर टू एक्सपीरियंस। द बॉडी इज गिवन टू अस सो दैट वी एक्सपीरियंस ओवर हियर। तो मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ में आगे लेके जाए, जो आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करे, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे कि आप अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल को जी पाए और आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए। इसलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में हमें खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड हर कोई चीज़ अक्यूमुलेट कर रहा है। थोड़ा खुद को भी रीड कर लो, थोड़ा खुद को भी समझ लो, आज थोड़ा खुद से भी प्यार कर लो, आपको समझेगा आप क्या हो और आप क्या बन सकते हो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।